Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Hope you all are doing good. This is Faisal Dedi from the sales desk of Foundation Securities Private Limited. Welcome you all in my new session of Midweek Market Recap, where we discuss the key performance takeaways of PSX from the beginning of this week. अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो मंडे के दिन केएससी 100 इंडेक्स ओपन्स एट 45,681 इंडेक्स लेवल और आज वेनेसडे के दिन इट मैनेज इन सेटल टू क्लोज एट 45,132 इंडेक्स लेवल. मजमूई तौर पे 500 पॉइंट की गिरावट देखी गई इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स. अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पर बात करें तो मंडे के दिन केएससी 100 इंडेक्स में 74 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 112 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज ऑन वेनेसडे कल के मुकाबले में तो थोड़े कम वॉल्यूम्स रहे. ओवरऑल 94 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स, डाउन बाय 16% ऑन डे बेसिस. इसको अब हम किस तरीके से एनालाइज करें, वेदर इट इज अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, वेदर इट इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी और लैक ऑफ सेंटिमेंट्स, बट जो भी है इट इज वेरी सेट टू डिफाइन द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट थ्री वर्किंग डेज. लुकिंग एट द ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया लेवल, अगर कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे बढ़ती है तो वो नेचुरली एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करेंगे एट लार्ज ऑन द इक्विटी मार्केट्स. बट साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, इस एस्केलेशन की वजह से पिछले दिनों में हमने देखा कि ब्रेंट ने $100 को टच करते हुए नजर आया ट्रेड होता हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ देखते हैं कि हमारी लोकल मार्केट्स के ऊपर एक इन्फ्लेशन थ्रेट और एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आता है और जिसकी बुनियादी वजह हमें ये भी नजर आती है कि साथ साथ लोगों की निगाहें मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ चली जाती हैं और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि समहाउ एक टाइटनिंग साइड भी देखी जा सकती है इन द अपकमिंग मॉनिटरी पॉलिसी. Despite the overwhelming corporate results for the calendar year 2022 and the current valuations in the current index level, I'm failed to understand what is missing right now. आज भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर मेपल लीफ सीमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, साथ ही साथ हमने देखा UBL बैंक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और इसके अलावा हमने देखा कि बाकी तमाम कंपनीज के भी बड़े इनलाइन और बहुत अच्छे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटीज नजर आई हैं, बल्कि ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशन हमें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स नजर आए. डिस्पाइट दिस हमें एक वॉल्यूम की लैकिंग नजर आ रही है. अब ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इट इज रियली बैक बाय वेरियस फैक्टर्स. वन ऑफ द फैक्टर इज द कन्फ्रंटेशन गोइंग ऑन बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया. फिर आगे जो नजरें जाती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ जाती हैं कि वेदर आगे करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर क्या होगा, इन्फ्लेशन को लोग किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की होगी. फिर जो फैक्टर है वो फर्दर कमिंग डेज में हम निगोसिएशन प्रोसेस देख रहे हैं कि IMF के साथ किस तरह का स्ट्रिक्ट निगोसिएशन प्रोसेस रहेगा. आगे फिर जून में हम बजट के हवाले से देखेंगे कि उसकी कुछ भी सेलियंट फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट द लोकल पॉलिटिकल फैक्टर which is quite high these days, और हम देख पा रहे हैं कि joint opposition पूरी मुमकिन कोशिश के साथ vote of no confidence of the current prime minister के लिए बड़े पुरअज़म हुए हुए. तो इन तमाम का जो focus point है वो ये है कि equity markets volatile लगती हैं और इसकी वजह से investors थोड़ा अभाम का शिकार हैं और वो नए investments को avoid कर रहे हैं. My sales advice is to stay long in the banking and the E&P stocks where the valuations are very much intact and avoid short-term trading and punting. Your valuable feedback is very important to us, so please give your valuable feedbacks at info@fs.com.pk. I, Faisal Dedi, signing off. Till then, take very good care of yourself. Have a pleasant evening. Goodbye.